प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आज गणेश महोत्सव है, चतुर्थी तिथि है। इस अवसर पर मैं आज मंगल के ऊपर ही बना रहा हूँ। मंगल ग्रह कुंडली के किन किन भावों में प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिज्ञ बनाता है, इसको आप सुनिए, देखिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम। जिसके कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति में सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग IAS IPS बनते हैं, ऐसे लोग विधायक मंत्री बनते हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, मेहनती होते हैं, जिद्दी होते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मंगल बैठा हुआ, क्या बात है, ऐसे लोग को रंग से राजा बनाता है। ऐसे लोग बचपन से ही होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, कुशल अपने जीवन में कुशल खिलाड़ी होते हैं, जीवन में पूर्ण सफलता पाते हैं। कभी इनको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। जिसके कुंडली में दसवें भाव में मंगल बैठा हुआ, क्या बात है, आपको मालूम होगा दसवें भाव का मंगल उच्च का हो जाता है। ऐसे लोग सांसद भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, उद्योगपति भी बनते हैं। ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं। इनको कोई बात की जीवन में कमी नहीं होती। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग जीवन में कोई कार्य नहीं जो अधूरा रह जाए, वो सभी कार्य को पूरा कर लेते हैं। ऐसे लोग लगनशील होते हैं, ऐसे लोग देश में गरीबों की सामाजिक सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे लोग को धन की, लक्ष्मी की, इज्जत की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे लोग अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, संतान सुख पूर्ण से योग्य होते हैं, संतुष्ट होते हैं और अच्छी सफलता पाते हैं। जैसे कुंडली में बारहवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, जिद्दी होते हैं। जब तक किसी कार्य को पूरा नहीं कर लेते, इनको शांति नहीं मिलती है। ऐसे लोग धर्मशाला, मंदिर, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य में अपने पैसे को खर्च करते हैं और इतिहास बनाते हैं। आज ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम मैं आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मैं फोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया। कोई मित्रगण को अपनी कुंडली अगर देखवाना है तो मेरे फोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम को जान जाइए, नियम पूछ कर आप दिखवा सकते हैं। आप लोग के सहयोग के लिए एक बार फ़ोन नंबर अपना बोल देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहते प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।